हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स और एथिक्स की कंप्लीट लेक्चर सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। साथ ही आपको बता दूं कि पॉलिटी की भी सीरीज चल रही है, एंशंट हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है। सब कुछ बेसिक से स्क्रैच से पढ़ाया जा रहा है और करंट अफेयर भी टॉप 200 जो है मंथली वो भी चल रहा है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से केवल करंट अफेयर है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर जो एथिक्स का बचा हुआ था पार्ट टू, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था पर्सुएशन में, जहां तक कंप्लीट किया था हम लोगों ने, देखिए कंप्लीट किया था पर्सुएशन जो था उसके हम लोगों ने तीन पार्ट थे, सोर्स, सेकेंड था रिसीवर और थर्ड था मैसेज। तो सोर्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था जिसमें तीन चीजें थी, क्रेडिबिलिटी थी, सेकंड थी पावर और तीसरी थी अट्रैक्टनेस। ठीक है, कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मैसेज की कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे, रिसीवर की कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे और कुछ भी टॉप कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं पर्सुएशन में, उसको भी विद एग्जाम्पल्स जानेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के लेक्चर से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग जो पहला इसका टाइप देखेंगे वो देखेंगे मैसेज डिस्क्रिपेंसी। आप लोग ये देख रहे होंगे, देखिए ये इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर इसको कोई मैसेज देते हैं तो वो आता है लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस में, फिर आता है लैटिट्यूड ऑफ इंडिफरेंस जिसमें वो न्यूट्रल रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है परसुएडर परसुएडी पे, ठीक है। फिर आता है लैटिट्यूड ऑफ रिजेक्शन, जहां पे वो एक्सेप्ट नहीं करता है जो मैसेज उसको मिल रहा है। तो हर कोई पर्सन होता है उसके अंदर ये जोन होते हैं कि वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको, या इनडिफरेंट है उसकी तरफ, या वो रिजेक्ट कर रहा है। तो देखिए हम लोग को अपने जो आइडियाज हैं कुछ इस तरीके से प्लेस करने चाहिए कि वो लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस पे लाई करें। तो उस हिसाब से हम लोग को रीफ्रेम करनी पड़ेगी अपने आइडिया को जो हम लोग बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई कलेक्टर है, ठीक है, कोई कलेक्टर है, उसको अपने मैसेज को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि वो फॉल करे जोन ऑफ एक्सेप्टेंस में जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर, और ये जो मैसेजेस हैं उनको किस तरह डिजाइन करना चाहिए, इसको डिजाइन इस तरीके से करना चाहिए कि हम लोग ध्यान में रख सके सबऑर्डिनेट्स की कल्चरल वैल्यूज को, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज को, उसकी पर्सनल प्रायोरिटीज को, उसके एटीट्यूडनल ओरिएंटेशन को, ठीक है, जो टारगेट ग्रुप का मेंबर है उनकी, इन तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए अगर हम लोग अपने मैसेज को उन तक डिलीवर कर रहे हैं। और ये जो मैसेज है, ठीक है, अगर इन तीन चीजों को मिला करके इन तीन चीजों को मिला करके अगर बनाया जाएगा तो जो लाइकलीहुड होते हैं कि जो मैसेज है वो फॉल करेगा लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस की जोन पे। तो ये पहला था मैसेज डिस्क्रिपेंसी। फिर देखिए जो दूसरा आता है वो आता है अपील टू फियर। देखिए अपील टू फियर में क्या होता है कि अपील टू फियर में क्या होता है कि जो इस, जैसे मान लीजिए एक माइल्ड फियर क्रिएट करते हैं हम लोग, इसमें एक माइल्ड फियर टाइप का क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एक्सट्रीम तक नहीं जाते, जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो देखिए इसमें एक माइल्ड फियर क्रिएट किया जा रहा है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ठीक है। तो जब हम लोग माइंड फ्लियर क्रिएट करते हैं तो जनरली क्या होता है कि जो ये वर्क करता है बेटर रेदर देन क्रिएटिंग द स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ अपील्स। और जो स्ट्रॉन्ग फियर होता है अपील्स, दैट कैन रिजल्ट इन डिफेंसिव अवॉइडेंस, वेयर जहां पर जो ऑडियंस होती है वो अपने आप को इंसुलेट कर सकती है बहुत ज्यादा डर की वजह से मैसेज जो दिए जाते हैं सोर्स के द्वारा, और वो रिड्यूस कर देती है लेवल ऑफ ट्रस्ट इन द सोर्स। इसलिए स्ट्रॉन्ग फियर की जगह माइल्ड फियर बेटर वर्क करता है। अब स्ट्रॉन्ग फियर जो है वो कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे हैं जहां पर ज्यादा अच्छा काम करता है। तो वो सर्कमटेंसेस क्या हैं? जैसे जब अपने लव्ड वंस को थ्रेट होता है, ठीक है, तब वहां पर ज्यादा काम करते हैं। अपने लव्ड वंस को अगर थ्रेट होता है
तो वहां पर ये स्ट्रॉन्ग फियर ज्यादा काम करता है। जब कोई इशू किया जाता है मैसेज हाई क्रेडिबल सोर्स के द्वारा, वहां पर भी ये क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग फियर काम करता है। और इसके अलावा देखिए इसमें क्या है कि दे आर गिवन टू द रिसीवर विद लो परसीव्ड वल्नरेबिलिटी टू थ्रेट, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फियर जो है वो ज्यादा काम करता है। तो ये चीजें थी इसमें अपील्स टू फियर में। फिर देखिए ड्रॉइंग कंक्लूजन में क्या होता है, अगर हम ड्रॉइंग कंक्लूजन की बात करें, देखिए अगर कोई सेंसिटिव केस है ठीक है, तो हम लोग को उसमें कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ नहीं करने चाहिए, रेदर वी शुड जस्ट प्रेजेंट दी फैक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, हम लोग को सीधे सीधे फैक्ट ऑडियंस के को प्रेजेंट कर देने चाहिए, हम लोग को उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करने चाहिए। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे वी शुड से दैट स्लॉटर इज स्लॉटर, हम लोग को अगर कोई चीज कहनी है तो डायरेक्ट कह देनी चाहिए, उसमें कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करनी चाहिए कि स्लॉटर जो है वो स्लॉटर ही है ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि किलिंग ऑफ हेन इज एज ब्लेफेमस एज किलिंग ऑफ काउ ठीक है, हम लोग बोलते हैं किलिंग ऑफ हेन इज एज ब्लेफेमस एज काउ। तो हम लोग देखिए यहाँ पर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं जो सेंसिटिव इश्यूज पे जो बहुत खराब हो सकते हैं और एक कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो हम लोग को कंक्लूजन ड्रॉ करने से सेंसिटिव केसेस में बचना चाहिए। फिर देखिए चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैसेज की, साइडनेस ऑफ द मैसेज। साइडनेस ऑफ द मैसेज में क्या होता है, जैसे एक साइड है ठीक है, एक साइड प्रेजेंट ओनली प्रोज और कॉन्स ठीक है, दोनों अगर एक साइड प्रेजेंट कर रहा है तो या तो हम प्रोज बताएंगे उसके या तो कॉन्स बताएंगे, दोनों नहीं बताएंगे वन साइड। और टू साइडेड में क्या है, हम लोग दोनों साइड की आर्गुमेंट को शेयर करेंगे ठीक है। तो ये होते हैं साइडनेस ऑफ द मैसेज की, हमको दोनों साइड बताने चाहिए और सिचुएशन को हिसाब से, अगर जैसे मान लीजिए हम किसी को एक साइड के बारे में कुछ पता है ठीक है, तो अगर हम लोग उसको दूसरी साइड के बारे में भी क्लियर करके बताएंगे कि ये सिचुएशन है या इसके ये प्रोज है या इसके कॉन्स है, तो आप जो है वो क्रेडिबल सोर्स बन सकते हैं अगर आप किसी को परसुएट कर रहे हैं ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि रिसीवर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, रिसीवर्स की कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। देखिए रिसीवर की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करती हैं। पहली जो होती है वो होती है पर्सनालिटी ऑफ द रिसीवर, दूसरी होती है इंटेलिजेंस, और तीसरी होती है सिलेक्टिव अटेंशन या फिर एक्सपोजर एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखिए जो पर्सनालिटी होती है रिसीवर की, उसमें देखिए क्या आता है, जो पर्सनालिटी है रिसीवर की होती है उसमें तीन चीजें आती हैं। देखिए पहला आता है, ये फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ठीक है, पहला आता है सेल्फ एफिकेसी, दूसरा आता है सेल्फ एस्टीम, और तीसरा आता है डिग्री ऑफ अराउजल। ठीक है, तो देखिए सेल्फ एफिकेसी होता क्या है, देखिए सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है ट्रस्ट ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दैट द इंडिविजुअल हैज इन हिज एबिलिटी टू सरमाउंट द ऑब्स्टेकल्स दैट स्टैंड बिटवीन इंडिविजुअल एंड हिज गोल, इसको बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी ठीक है। ये एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस तरीके होता है जो इंडिविजुअल विश्वास करता है अपनी एबिलिटी के कि वो सराउंड कर लेगा ऑब्स्टिकल को जो स्टैंड हो रहा है बिटवीन इंडिविजुअल और उसके गोल के बीच में। सेल्फ एस्टीम देखिए क्या होता है, सेल्फ एस्टीम होता है कि सेल्फ वर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल कि तुम कितना सोचते हो कि तुम कितना वर्दी हो अपने आप में, कि तुम क्या वर्थ है तुम्हारी, ऐसा सोचना वो होता है सेल्फ एस्टीम। और डिग्री ऑफ अराउजल का मतलब होता है कि मॉडरेट अराउजल जो है, जो मॉडरेट अराउजल हो है वो क्रिएट करता है बेस्ट परफॉर्मेंस ठीक है। अगर देखिए हम लोग इसको अराउजल को अगर हम लोग एक ग्राफ से समझे, देखिए ये है, अगर हम लोग वाई एक्सिस पे अगर हम परफॉर्मेंस को लें ठीक है, और एक्स एक्सिस में अगर हम लोग डिग्री ऑफ अराउजल लें, डिग्री ऑफ अराउजल, और इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। तो देखिए अगर आप मॉडरेटली अराउजल होंगे ठीक है, मॉडरेटली अराउजल होंगे ये तो हाई अराउजल हो जाएगा, इधर जाएंगे तो बहुत लो हो जाएगा।
तो जब आप मॉडरेटली अराउजल होंगे तो आपकी देखिए परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, ध्यान रखिएगा। और अगर देखिए आप यहाँ पे अगर लाई करेंगे आगे इसके, ठीक है, तो हो सकता है आप पैनिक हो जाएं, ठीक है। पैनिक कब होता है आदमी, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आप लेट हो गए 15 मिनट के लिए, तो आप अपनी वर्थ को कंसिडर ही नहीं कर रहे कि अब हमको नहीं देना चाहिए, ऐसा ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो मॉडरेट डिग्री ऑफ अराउजल आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में साथ डिस्कस कर लीजिएगा, आपको मैं और भी एग्जांपल्स दे दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। देखिए दूसरा पॉइंट जो आता है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? देखिए इंटेलिजेंस एक तरीके से अगर आपको मैं लेमन टर्म से बताऊं, ये होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है इंडिविजुअल की। अब जो इंटेलिजेंट ऑडियंस जो होगी वो क्या होगा कि परसुएड नहीं होगी इमोशनल अपील से। अगर कोई इंटेलिजेंट ऑडियंस है तो वो इमोशनल अपील से परसुएड नहीं होगी, बट दे आर लाइकली टू कन्विंस विद रेशनल आर्गुमेंट। अगर आप रेशनल आर्गुमेंट दोगे तो वो आपकी बात से, या आप उसको रेलेवेंट फैक्ट से बता रहे हो तो वो आपकी बात से ज्यादा कन्विंस हो पाएंगे। तो ये चीज आती है आपकी इंटेलिजेंस में। फिर देखिए थर्ड क्या है? थर्ड है सिलेक्टिव एक्सपोजर, या फिर सिलेक्टिव अटेंशन बोल लीजिए, या सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन बोल लीजिए। ये तीन चीजें हैं, तो इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अगर मान लीजिए कोई चाइल्ड है, ठीक है, और वो सोशलाइज हुआ है खाप पंचायत में हरियाणा की, देन ही वोंट एक्सेप्ट फ्रीडम ऑफ वुमेन। तब वो फ्रीडम ऑफ वुमेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ध्यान सुनिएगा। अगर कोई चाइल्ड है और वो सोशलाइज हो रहा है खाप्स ऑफ हरियाणा में, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा फ्रीडम ऑफ वुमेन, वो हमेशा ही पैरोकियल रहेगा अपने नेचर में, ठीक है। तो ऐसे लोगों को रीच करना, ठीक है, ऑडियंस में वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। वो लोग काउंटर जो है ना वो अपना एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं एटीट्यूडनल मैसेज को बहुत इजीली। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो जो है वो अपने कल्चर के हिसाब से है, वो उस हिसाब से ऑपरेट करते हैं, वो इंटेंशनली उसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कल्चर इन विच दे आर लिविंग। तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो सिलेक्टिवली अटेंड की जाती है यहाँ पे रिसीवर से। जो रिसीवर होता है यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन को सिलेक्टिवली रिसीव करता है, और अगर उसको अटेंशन मिलती है तो इंटरप्रिटेशन भी जो होता है वो जनरली सिलेक्टिव होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल से मैंने आपको ये सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव एक्सपोजर और सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जो परसुएडर होता है ही मस्ट प्रोवाइड कल्चरली आर्गुमेंट उनको यहाँ पर देना चाहिए मैसेज में, और इंटरेस्टिंग मैनर से देना चाहिए ताकि रिलेवेंट फैक्ट से सपोर्ट किया जा सके इन सब चीजों को। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रेंट है यहाँ पर इन चीजों को, इसीलिए ये चीजें सिलेक्टिव है, क्योंकि वो उस कल्चर में ही क्या कहते हैं वो बड़ा हुआ है और वो उसी के हिसाब से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये रिसीवर्स की तीन कैरेक्टरिस्टिक थी, आई होप आपको ये तीन कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब चलिए हम लोग समझते हैं कॉग्निटिव रूट क्या होता है पर्सुएशन का, इसको थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे ये चार्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ आपके साथ एग्जांपल्स हैं उसको पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर आपको इस पे ले जाता हूं। देखिए मान लीजिए कोई जवान है और अगर वो मिसबिहेव कर देता है किसी वुमेन के साथ, तो उससे देखिए क्या होगा, जो क्रेडिबिलिटी होगी आर्मी की वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और ये हो सकता है कि रिजल्ट करे कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो और इंक्रीजिंगली पोरस होते चले जाएंगे। एक एग्जांपल से ये समझिए, देखिए अगर, और दूसरा एग्जांपल समझिए कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, और अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है लेकिन अगर वो क्रेडिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई पर्सन है और वो कुछ अच्छा कर रहा है पर वो क्रेडिबल नहीं है,
तो उसका कोई यूज नहीं है। फिर देखिए पेशेंट जो है अगर वो डॉक्टर से पूछ रहा है कि डॉक्टर ये बताइए कि ये टेस्ट कोई जरूरी है कराना कि नहीं है जो आपने लिखे हुए हैं, तो आप देखिए इस स्टेटमेंट से क्या समझ रहे हैं। इस स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है कि क्रेडिबिलिटी कितनी रिड्यूस हो गई है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप ऑब्जर्व करिएगा चीजों को। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर पेशेंट डॉक्टर से पूछ रहा है कि क्या ये टेस्ट कराना चाहिए और या ये टेस्ट नहीं कराने चाहिए, तो इससे पता चलता है कि क्रेडिबिलिटी डॉक्टर की रिड्यूस हो गई है। फिर देखिए मान लीजिए कोई कलेक्टर है, ठीक है, उसको उसको क्या करना चाहिए, बेसिकली उसको अपने मैसेज को पास करना चाहिए सेंट्रल रूट से। ठीक है, उसको अपने मैसेज को सेंट्रल रूट से पास करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे कम्युनल हार्मोनी मेजर्स अगर लिए जा रहे हैं, कम्युनल हार्मोनी मेजर्स में जैसे मान लीजिए क्या होना चाहिए कि हिंदू को हेल्प करना चाहिए इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दी मास्क, तो कि उससे क्या होगा कि सम एटीट्यूडनल चेंज जो होगा उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। ठीक है, देन आफ्टर सम टाइम व्हेन ही हैज सक्सेसफुली पास्ड मैसेज पास्ड मैनी मैसेजेस वाया सेंट्रल रूट, तो जब कलेक्टर सेंट्रल रूट का यूज करके जब मैसेजेस पास करेगा, ठीक है, तो उससे उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसकी बात को लोग ज्यादा मानेंगे। फिर देखिए पेरिफेरल रूट में क्या होता है, पेरिफेरल रूट में देखिए मान लो कोई टीचर है, ठीक है, पेरिफेरल मतलब एक बात ये समझिए कि यहाँ पर सेंट्रल रूट में जो है एकदम मुद्दे की बात करते हैं, बिल्कुल एकदम फैक्ट और लॉजिकल आर्गुमेंट के साथ बात करते हैं। पेरिफेरल रूट में ना घुमा फिरा के बात करते हैं, अगर कोई चीज ऐसे नहीं आती ना समझ में तो बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, उसको किसी सब्जेक्ट की बहुत कम नॉलेज है, तो वो स्टूडेंट अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछता है उसमें, तो वो सेंट्रल रूट को फॉलो नहीं करता है और उसको घुमा देता है, कुछ ऐसा बोल देगा कि अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, इसको हम कल बता देंगे, या ये सब तो कभी पूछते ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टीचर पेरिफेरल रूट का यूज कर रहा है उसको परसुएट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए स्टूडेंट को। तो ये चीज आती है पेरिफेरल रूट में, और ये चीज आती है जो इसमें हम लोग बिल्कुल अच्छे से फैक्ट देकर के कन्विंस करते हैं, वो आती है सेंट्रल रूट में। ठीक है, फिर देखिए कि बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग बेचते हैं, ठीक है, हम लोग पेरिफेरल रूट का यूज करके बेचते हैं। जैसे हम लोग सेंट जो है वो सोप में ऐड कर देते हैं, ठीक है, सेंट सोप में ऐड कर देते हैं। अब मान लीजिए वो सेंट जो है वो हार्मफुल है स्किन के लिए, फिर भी हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से डिस्काउंट वगैरह जो हम लोग देते हैं वेरियस आइटम्स में, या स्मूथनेस होती है फैब्रिक में, तो ये सब पेरिफेरल रूट हैं अपनी चीजों को बेचने के लिए। तो इस तरीके से ये मॉडल जो है वो पूरा काम करता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। बस आप लोग इसमें मोटा मोटा इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो रूट होता है ज्यादा इफेक्टिव होता है, और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रेशनल आर्गुमेंट दी जाती हैं और सोर्स बहुत ही क्रेडिबल होता है, तो इसमें जो प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की वो मतलब काफी अच्छी होती है और एडवांस होती है। ठीक है, केयरफुली चीजों को किया जाता है और एटीट्यूड को ये मोटिवेट करता है चेंज करने के लिए, क्योंकि सब कुछ एकदम फैक्चुअल और रेलेवेंट होता है, जबकि इसमें जो है उतना इफेक्टिव नहीं होता है, ये ज्यादा एवर लास्टिंग होता है ये रूट। इस रूट से अगर कोई इम्पैक्ट होता है तो जो वो ज्यादा लास्ट करता है वो पर्सुएशन। चलिए आगे चलते हैं, देखिए सेल्फ पर्सुएशन देखें। देखिए सेल्फ पर्सुएशन में तीन चीजें आती हैं, पहला आता है एटीट्यूड और बिहेवियरल चेंज, दूसरा आता है एड कॉन्सोनेंट इंफॉर्मेशन, और तीसरा होता है वो होता है ट्रिवियलाइजेशन। तो चलिए थोड़ा एग्जाम्पल से इसको भी बात करते हैं। देखिए इसमें बेसिकली अगर हम लोग बात करें सेल्फ पर्सुएशन की, तो इसमें जो कॉग्निटिव डिजोनेंस की बात करते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव डिजोनेंस की बात करते हैं, और कॉग्निटिव डिजोनेंस होता क्या है पहले तो ये जान लेते हैं, कॉग्निटिव डिजोनेंस क्या होता है। देखिए कॉग्निटिव डिजोनेंस एक तरीके से इंटरनल स्टेट होती है जो रिजल्ट करती है जब इंडिविजुअल नोटिस करता है कि दो इनकंसिस्टेंसी नोटिस करता है अपने अंदर, अपने बिहेवियर में दो या दो से ज्यादा एटीट्यूड उसके अंदर में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तब उसके अंदर कॉग्निटिव डिजोनेंस जो है वो बनता है। ठीक है,
और डिजोनेंस एक तरीके से नेगेटिवली ड्राइव्ड स्टेट है और वो क्रिएट करता है डिसकंफर्ट इंडिविजुअल के अंदर, और वो उसको जब डिसकंफर्ट क्रिएट करता है तो वो उसको मोटिवेट करता है कि वो कुछ स्टेप्स ले ताकि इन चीजों को वो चेंज कर सके। तो वो स्टेप्स जो होते हैं वो ये तीन स्टेप्स हैं, इनको हम लोग एग्जाम्पल से अभी देख लेते हैं। ठीक है, पहला देखिए स्टेप है एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज। अब मान लीजिए कोई ऑफिशियल जो है वो पंचुअल हो जाता है अपने ऑफिस में, उसने कोट लिख के लगा दी वॉल पे, ये उसका ऑफिस था। ठीक है, उसने वो लेट आता था रोज 15 मिनट, लेकिन अब उसने जाकर के अपने ऑफिस में लगा दिया कि कल से मेरे को एकदम पंचुअल आना है, ठीक है, लेट नहीं होना है। तो वो धीरे धीरे देखिए अपने आप को एटीट्यूड चेंज कर रहा है, उसको सामने देखिए ये चीज बहुत इंपैक्ट करती है। अगर आप अपने वॉल के सामने कुछ लगा लेते हैं या कुछ देखते हैं, ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा, ये चीज लाइफ में बहुत इंपैक्ट करती है। इसको बोलते हैं एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज, और ये बहुत ही लास्टिंग होता है, ये हमेशा ही आपको मदद करेगा। और ये तो बिहेवियर चेंज हो गया, एटीट्यूड चेंज कैसे होगा, जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग सो आई कैन स्मोक, वार्निंग डज नॉट अप्लाई टू मी, तो ये एटीट्यूड है आपका जो रॉन्ग डायरेक्शन में है और ये गलत हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एड कॉन्सोनेंट इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा बोलना जो सपोर्ट करता है आपके पॉइंट को, कुछ आप बोल रहे हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आप जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने तो 100 साल तक स्मोक किया था लेकिन तब भी वो जिंदा थे, और मेरे अंकल तो कभी स्मोक ही नहीं करते थे और तब भी वो 60 साल में मर गए। तो ये इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपनी ये आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए, पॉइंट सबको सपोर्ट करने के लिए एक इंफॉर्मेशन जो है उसको ऐड कर रहे होते हैं। जैसे लोग बोलते हैं अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए, भैया वो तो टाइम से इसलिए आता है क्योंकि उनके बच्चे ही नहीं है, वो अपने बच्चों से प्यार ही नहीं करता है तो इससे, और उनके बच्चे यहाँ रहते ही नहीं है इसलिए वो टाइम से आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए अपने आप को, कमियों को और गलतियों को छिपाने के लिए आप कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप ब्राइब ले रहे हैं, ठीक है, तो आप बोलते हैं अरे भैया हम ब्राइब तो लेते हैं लेकिन हम ये तो देखिए ना कि हम इसका एक पार्ट जो है वो गरीब लोगों में खर्च कर देते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए एग्जांपल्स थे ढेर सारे, अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं उनके भी एग्जांपल्स आपको दे दूंगा। फिर देखिए तीसरा पॉइंट जो आता है वो होता है ट्रिवियलाइजेशन। ट्रिवियलाइजेशन में देखिए क्या होता है, ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ये बस डाउन प्ले करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इनकंसिस्टेंट एटीट्यूड और बिहेवियर को। तो देखिए इसका एग्जांपल से समझते हैं ट्रिवियलाइजेशन का एग्जांपल को। जैसे मान लीजिए कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, और हमने बस हम एक एक्सक्यूज टाइप का बना देते हैं कि अरे भैया हम थोड़ा उसमें अगर कूड़ा डाल देंगे तो उससे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे डाउन प्ले कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इनकंसिस्टेंट एटीट्यूड और बिहेवियर को। एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि अरे हम तो पैसिवली स्मोक कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ तो हमको तो कुछ नहीं होगा इस तरीके से। तो ये आता है चीज ट्रिवियलाइजेशन में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो है रेजिस्टेंस टू परसुएशन। रेजिस्टेंस टू परसुएशन में देखिए कैसे रजिस्ट किया जाएगा परसुएशन को, उसको समझते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है सिलेक्टिव अवॉइडेंस। सिलेक्टिव अवॉइडेंस देखिए मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टेंडेंसी टू डायरेक्ट अटेंशन अवे फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट चैलेंजेस द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। एक टेंडेंसी होती है अटेंशन को हटा देने की इंफॉर्मेशन से जो आपके एग्जिस्टिंग एटीट्यूड को चैलेंज कर रहे हैं। तो जब एग्जिस्टिंग एटीट्यूड को चैलेंज कर रहे हैं वहां से अटेंशन को हटा देंगे जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो अपने आप रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा परसुएशन के अगेंस्ट में। फिर देखिए दूसरा होता है फोरवार्निंग। फोरवार्निंग में होता है कि जो एडवांस नॉलेज होती है दैट वन इज अबाउट टू बिकम द टारगेट ऑफ एन अटेम्प्ट एट परसुएशन आफ्टर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू परसुएशन। ठीक है, जो एडवांस नॉलेज होती है जो एक जो होता है वो देता है दूसरे को, टारगेट ग्रुप को, ठीक है, परसुएट करने के लिए जबरदस्ती देता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग अपील के साथ देता है, तो ये भी रेजिस्टेंस बढ़ा देती है फोरवार्निंग। ठीक है, फिर देखिए डेरोगेटिंग दी सोर्स। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम लोग क्रेडिबिलिटी जो है उसको अगर रिड्यूस कर दें,
ठीक है, क्रेडिबिलिटी को अगर रिड्यूस कर दें, उसको क्रिटिसाइज कर देंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो अनट्रस्ट वर्दी हो जाएगा। तो इससे भी क्या फर्क पड़ेगा, इससे भी यही फर्क पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस पावर होगी परसुएशन की वो कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अब आप उनको जल्दी से परसुएट नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए चौथा है इम्यूनाइजेशन। देखिए इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है एक अटेम्प्ट होता है, इससे क्या होता है रेजिस्टेंस बिल्डअप होता है परसुएशन का, ठीक है, एंड इट फॉलोज बाय प्रोवाइडिंग द टारगेट ग्रुप माइल्ड डोसेज ऑफ काउंटर एटीट्यूडनल मैसेज। और इसमें काउंटर एटीट्यूडनल मैसेज दिए जाते हैं धीरे धीरे, तो उससे इम्यूनाइजेशन क्रिएट हो जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है ए, ठीक है, अगर वो डेली एक्यूज कर रहा है बीजेपी को और बाद में क्या है बी जो है वो रजिस्टर कर रहा है उसको, ठीक है, व्हेन ए मेक्स अ मेजर अटैक, जब ए उस पर मेजर अटैक कर रहा है, तो ये होता है इम्यूनाइजेशन। बी उसको हमेशा रजिस्टर करता रहेगा क्योंकि ए उसको डेली अटैक कर रहा है और बी उसको रजिस्टर कर रहा होगा, तो बी जो है वो ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है क्योंकि उसको डेली डोज दिया जा रहा है उसका और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है परसुएशन का। तो ये चार प्रोसेस थे रेजिस्टेंस टू परसुएशन के, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है, चार लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं और धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में देखेंगे, ओबीडियंस के बारे में देखेंगे, कंप्लायंस देखेंगे क्या होता है, कन्फर्मिटी देखेंगे क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।